काफले की इजाज़त करते हुए आप देख सकते हैं कि सबसे आगे अपनी गाड़ी में काफले की इजाज़त कर रहे हैं और उसके साथ पाकिस्तान तरीके साहब का बकायदा जो मजमा मौजूद है और तमाम इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन शेर अफजल जो है इस वक्त जलसा गाह की तरफ रवाना हुआ है। आप देख सकते हैं खुद ड्राइव करके जा रहे हैं और अपने साथ पूरी एक रैली एक काफला लेके जलसा गाह की तरफ जा रहे हैं। कारकुनान शेर अफजल मरवत की एंट्री का इंतज़ार कर रहे थे। शेर अफजल मरवत जो है काफले की तरफ रवाना हुआ है, ये देखें। नाज़रीन लाहौर से जब हम यहाँ पे इस्लामाबाद इस जलसे को कवर करने पहुँचे तो लाहौर से ही मोटरवे के जो दाखिली रास्ते थे वहाँ पे पुलिस की नफरी मौजूद थी और किसी भी गाड़ी को इस्लामाबाद की तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी। इस्लामाबाद जब पहुँचे तो इस्लामाबाद के 29 मुकामात को कंटेनर लगा के बंद किया गया और तमाम जो रास्ते थे जो जलसा गाह को जाते थे उनको कंटेनर से बंद किया गया। लेकिन इस वक्त शेर अफजल मरवत जो हैं वो अपनी रैली लेके जलसा गाह की तरफ गामजन है और आप ये देख सकते हैं कि उनके हमरा बहुत सी गाड़ियाँ बहुत से कारकुनान मौजूद हैं और कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत के ऑफिस के बाहर बकायदा तौर पे इस्लामाबाद पुलिस अहलकार पहुँचे, वहाँ पे गिरफ़्तारी की कोशिश की और उस गिरफ़्तारी के दौरान जो है पाकिस्तान तरीके साहब के कारकुनान ने बहरहाल किसी की गिरफ़्तारी होने नहीं दी, वहाँ पर थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती भी हुई। ये देखें अब ये शेर अफजल मरवत साहब के हमरा एक हजूम है जो जलसा गाह की तरफ जा रहा है। Yeah.
काफ़िला है शेर अफजल मरवत साहब का, जो कि जलसा गाह की तरफ रवा दवा है। और आज 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी गई और अदालत ने बकायदा हुक्म दिया कि आज कारकुनान को ना रोका जाए, लेकिन बावजूद उसके इस्लामाबाद इसलिए किया गया कि एक छोटा सा बच्चा जलसा गाह की तरफ जा रहा है। ये देखिए, इसने पाकिस्तान तरीके साहब का झंडा, कहाँ जा रहे हो? ये नाज़रीन रैली है जो जलसा गाह जा रही है और ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। अगर आपको बकायदा तौर पर बताया जाए तो 9 मई के बाद मेरा ख्याल है कि ये पहला पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गैदरिंग होगी जो बकायदा इस्लामाबाद के अंदर जो जलसा अगर ये आज हो जाता है। आगे भी ये मनाजिर हैं। जा रहे हैं जलसा गाह के लिए जो मनाजिर होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे।